अस्सलामु अलैकुम। ज्योमेट्री का तीसरा चैप्टर है दायरा, सर्कल, मश 3.3, पार्ट 3, सवाल नंबर पहला। शक्ल में नुक्ता सी दायरे का मरकज है और डी जी एफ ई के दायरे पर वाक़ नुकात हैं। जाविया ई सी एफ, इसकी पैमाइश दी गई है 70 डिग्री और कॉस डी जी एफ, की पैमाइश दी गई है 200। ये कॉस की पैमाइश है, ये जाविये की पैमाइश है। तो मालूम करना है कॉस डी ई, उसके बाद कॉस डी ई एफ, सबसे पहले हम ई एफ मालूम करेंगे। जो दिया गया है वो हम लिखेंगे, जाविया ई सी एफ, एंगल ई सी एफ इज इक्वल टू 70 डिग्री। कॉस दिया है, मेजर कॉस, की पैमाइश डी जी एफ की, इज इक्वल टू 200 डिग्री। ये कॉस की पैमाइश है और ये जाविये की पैमाइश है। मालूम करना है कॉस ई एफ, मालूम करेंगे कॉस ई एफ कैसे मालूम होगा। तो हम लिखेंगे कॉस, यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है, और यहाँ पर लिख देंगे क्या मालूम करना है, मेजर कॉस डी ई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मालूम करना है, और मेजर कॉस डी ई एफ, इसकी भी पैमाइश मालूम करना है। चलिए हम मालूम करते हैं ई एफ। तो मेजर कॉस ई एफ इज इक्वल टू जाविया एंगल ई सी एफ, के क्यों है ये, क्यों मसावी है, क्यों मसावी होते हैं। मरकजी जाविया अपने मकतुआ कॉस के मसावी होता है, यानी मरकजी जाविये के सामने का जो कॉस होता है वो मरकजी जाविया और उसके सामने का कॉस दोनों मसावी होते हैं। ये लिखेंगे अजगर, कॉस की पैमाइश की तारीफ से, तारीफ की बिना पर। तो मेजर कॉस ई एफ इज इक्वल टू एंगल ई सी एफ इज इक्वल टू कितने डिग्री है, ई सी एफ 70 डिग्री, 70 डिग्री। तो देयरफॉर मेजर कॉस ई एफ इज इक्वल टू 70 डिग्री लेकर आए, ये 70 डिग्री हो गया। आप मालूम करना है कॉस डी ई, कैसे मालूम करेंगे, 360 में से दायरे की पैमाइश में से 200 और 70 इन दोनों के मजमुए में से, इन दोनों के मजमुए को माइनस करेंगे 360 में से, तो बचेगा क्या, डी ई। यहाँ लिखेंगे मेजर कॉस, तीनों कॉस को हम जमा कर देंगे, 1, 2 और 3, मेजर कॉस डी ई प्लस मेजर कॉस
EF EF plus major cos DGF DGF और इज इक्वल टू, इसके आगे लिखोगे आप 360 डिग्री, क्यों लिखे, दायरे की पैमाइश, दायरे की पैमाइश 360 डिग्री होती है। अब जिसकी पैमाइश दी गई है हम वो रखेंगे, तो मेजर कॉस डीई मालूम करना है, तो मेजर कॉस डीई को ऐसी लिखे प्लस ईएफ कितना है 70 डिग्री, 70 प्लस डीजीएफ कितना है, यहां लिखा हूं मैं 200 इज इक्वल टू 360। मेजर कॉस डीई प्लस कितना होगा 270 डिग्री, 360। मेजर कॉस डीई, मेजर कॉस डीई इज इक्वल टू 360 माइनस 270, 360 में से 270 को नफी किए, तो देयरफॉर मेजर कॉस डीई इज इक्वल टू, माइनस किए 0 में से 0 गए 0, 16 में से 7 गया 9 और 2 में से 2 गया 0, 290 डिग्री। ये नंबर एक हमने मालूम किया, मेजर कॉस डीई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब मालूम करना है मेजर कॉस DEF, DEF मालूम करने के लिए अब क्या करेंगे, मेजर कॉस DEF इज इक्वल टू DEF इज इक्वल टू, इन दोनों कोसाइन को जमा कर देंगे DE को और EF को, तो मेजर कॉस DE प्लस प्लस मेजर कॉस EF वजह क्या है, क्या कि हमने कोसाइन की जमा की खुसूसियत से, यानी कॉस को हमने जमा की है, कोसाइन की जमा की खुसूसियत इज इक्वल टू DE कितना है, DE कितना आया है 90 डिग्री है, लिख देंगे 90 डिग्री, 90 प्लस और EF, EF है 70 डिग्री, तो 9 और 7 कितना होता है 16 और 0 का 0, तो therefore मेजर कॉस DEF इज इक्वल टू 160 डिग्री। जवाब लिखेंगे, नंबर ए मेजर कॉस DE इज इक्वल टू, DE इज इक्वल टू 90 डिग्री। नंबर दो मेजर कॉस DEF इज इक्वल टू 160 डिग्री, इसका इन दोनों का जवाब आते हैं, इन दोनों के मालूम करना था हमें कॉस डीई की पैमाइश, डीई की पैमाइश मालूम किए और कॉस डीईएफ की पैमाइश, मेजर कॉस डीईएफ इज इक्वल टू 160 डिग्री। सवाल नंबर दूसरा, शक्ल में मुसल्लस क्यू आर एस एक मुतसाविल अजला मुसल्लस है, मुतासाविल अजला मुसल्लस जिसके तीनों जिले मुतमासिल होते हैं,
दिखाइए के यानी साबित कीजिए के कॉस आर एस मुतमासिल है, कॉस क्यू एस मुतमासिल है कॉस क्यू आर के, नंबर एक। नंबर दो, कॉस क्यू आर एस, क्यू ये कॉस है, क्यू आर एस की पैमाइश 240 डिग्री है, ये साबित करना है। नंबर एक हम साबित करेंगे। दिया सबसे पहले लिखते हैं हम, दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, मुसल्लस क्यू आर एस, क्यू आर एस एक एक मुतसाविल अजला मुसल्लस है, साबिल अजला मुसल्लस है तो तीनों जिले मुतमासिल होंगे। यहां लिखते हैं इता इता आर एस मुतमासिल है इता क्यू एस मुतमासिल है इता क्यू आर। यहां पर वजह लिखेंगे मुतसाविल अजला मुसल्लस के जिले, मुतसाविल अजला मुसल्लस के जिले। अब एक ही दायरे के मुतमासिल वित्रों के नजीरी कॉस मुतमासिल होते हैं, एक ही दायरे के मुतमासिल वित्रों के नजीरी कॉस मुतमासिल होते हैं, यानी तीनों वित्र मुतमासिल है तो इनसे जो कॉस बनते हैं तो ये मुतमासिल होंगे। तीनों जिले मुतमासिल है, तीनों कॉस मुतमासिल होंगे। यहां पर इसलिए जो हमने किता लगाए यहां पर ही कॉस लगा देंगे, तो देयरफॉर कॉस आर एस मुतमासिल है कॉस क्यू एस के, क्यू एस के, और किताब क्यू एस कॉस क्यू एस मुतमासिल होगा कॉस क्यू आर के। तो देखिए यहां पर हमें साबित करना था कॉस आर एस मुतमासिल है, कॉस क्यू एस मुतमासिल है कॉस क्यू आर के। नंबर एक साबित हुआ। अब नंबर दो साबित करना है कॉस क्यू आर एस की पैमाइश 240 डिग्री। चलिए यहां पर से शुरू करते हैं नंबर दो। ये जो हमने साबित किया है इसी को हम फर्ज कर लेंगे। फर्ज किया कि क्योंकि तीनों कॉस मुतमासिल है तो फर्ज किया कि कॉस आर एस मेजर कॉस लगा देंगे। मेजर कॉस आर एस इज इक्वल टू मेजर कॉस क्यू एस इज इक्वल टू मेजर कॉस क्यू आर इज इक्वल टू एक्स के, ये हमने फर्ज किया। तीनों भी कॉस मुतमासिल है इसलिए हमने एक्स फर्ज किया। तीनों कॉस को जमा कर देंगे, आर एस क्यू एस और क्यू आर इज इक्वल टू 360, ये हुआ दायरे की पैमाइश। तो यहां पर सिर्फ जमा लिख देना है आपको, मेजर कॉस आर एस प्लस मेजर कॉस क्यू एस प्लस मेजर कॉस क्यू आर इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब लिखेंगे दायरे की पैमाइश,
360 डिग्री होती है। अब जो हमने फर्ज किया RS की जगह पर X, यानी तीनों जगह पर हम X लिख देंगे, X प्लस X इज इक्वल टू 360, X X X 3X इज इक्वल टू 360, 3X इज इक्वल टू 360, तो X इज इक्वल टू 360 अपॉन 3, कैंसल कर दो, 3 एक 3, 3 दो नीचे 0 का 0, therefore x is equal to 120 degree आया, 120 degree। अब यहाँ पर हम मेजर कॉस, ये x की जगह पर हम लिख देंगे 120, तो मेजर कॉस RS is equal to मेजर कॉस QS is equal to मेजर कॉस, यहां पर देखिए x की कीमत 120 आई है, इसलिए हम x की जगह पर 120 लिख देंगे। अब अपने को मालूम करना है, यानी कि तीनों cos की पैमाइश सेम है, 120 120 डिग्री 120 डिग्री। अब मालूम नहीं करना है बल्कि साबित करना है कि क्यों RS कितना होता है 240, 120 120 240। अब लिखना है, तो मेजर क्रॉस QRS इज इक्वल टू QRS इज इक्वल टू मेजर क्रॉस QR प्लस मेजर क्रॉस RS। यहां लिखेंगे कोसाइन की जमा की खुसूसियत से, कॉसों को आपने जमा किया, इज इक्वल टू QR कितना है 120, RS कितना है 120, इज इक्वल टू कितना हुआ 240 डिग्री। देयरफॉर मेजर कॉस QRS इज इक्वल टू 240। नंबर टू साबित हुआ। थैंक यू।